कृषि कानूनों को रद्द कराए जाने को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे किसानों की कोरोना जांच व वैक्सीनेशन के लिए जहां सरकार ने संबंधित प्रशासन को आदेश भी दिए, वहीं आंदोलनरत किसानों ने भी इन्हें आदेशों पर अपना दो टुक जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में न तो कोरोना की जांच करवाएंगे और न ही वैक्सीनेशन का टीका लगवाएंगे। भारतीय किसान यूनियन उग्राह के नेता ने कहा है कि कोरोना एक आम बीमारी है। उन्होंने कहा कि किसान जब भी बीमार हुआ है तो वो बूटी लेने से ही ठीक हो जाता है, लेकिन सरकार किसानों की चिंता न करे क्योंकि किसानों की देखभाल के लिए पंजाब और हरियाणा के डॉक्टर मौजूद हैं जो पूरी तरह से किसानों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। सरकार को यदि चिंता करनी है तो सरकार कृषि संबंधी काले कानून रद्द करे, तभी माना जाएगा कि सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन को लेकर किसानों ने साफ तौर पर दो टुक जवाब देते हुए इनकार कर दिया है। कोरोना की जड़ी बीमारी की गल है ना, जो जी ये बीमारी है ये आम बीमारी है, पहला भी हर साल होंदी है। ये राज कर दिया सरकारा ने कि बहाना बना के लोगों के उत्ते आ जड़िया नीतियां ने जड़िया काले कानून वर्गे फैसले ने इन्हां दे थोपण की ब्यौंत है। ये सरकार आपकी ब्यौंत दे विच कामयाब नहीं होगी क्योंकि इस बीमारी नू लोग समझ चुके ने कि जो जी बीमारी है खंघ की जुकाम की छाती की इन्फेक्शन की यह छोटी बीमारी है, नाल दी नाल जो कोई बीमार भी होंगे तो दवाई बूटी लिया के लैके ठीक हो सकता है, कोई डरन वाली गल नहीं। असी जो कोई बीमार होगा जिन्हें आपकी जिंदगी की हर एक इंसान को लोड़ है वह अपने आप ही दवाई लेगा जो कोई बीमार होएगा, पर मैनू नहीं लगता भी इस पंडाल के सानू यहोजे बीमार लोग मिलेंगे। असं बीमार होवे तो आप ही दवाई लैन जा।